ने बताया ब्लैक कलर साउथ ईस्ट में वाटर बॉडी बोरिंग साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में फाइनेंस और कंसीविंग की प्रॉब्लम कंसीविंग मतलब चाइल्ड इश्यूज होते थे केवल जैसे कि नहीं कंसीविंग नहीं हो पा रहा है तो इसके रीज़न ये भी हो सकता है अगर कहीं पर ऐसा है कहीं पर लगे कि कंसीविंग ही नहीं होती बच्चे नहीं हो रहे अभी क्या हो गया हम लोग के पास ना बॉक्स बेड्स है आखिरी तारीख में क्योंकि स्पेस नहीं होती तो स्टोरेज के लिए बॉक्स बेड बनाते हैं तो आपके बॉक्स बेड में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं होना चाहिए बैटरी ऑपरेटेड कुछ नहीं होना चाहिए आपके बेड में अंदर ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए कैश नहीं होना चाहिए आपके बेड में कोई भी किसी कोर्ट केस से रिलेटेड फाइल नहीं होनी चाहिए डॉक्टर का कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती है जैसे फीवर है तो ना इंसोमेनिया होता है लोग सो नहीं पाते रात को नींद नहीं आती या सपने बहुत खराब खराब आते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है ना तो 2 घंटे सो पाते हैं 3 घंटे सो पाते हैं नींद नहीं आती अनरेस्ट रहता है तो उसका वन ऑफ द रीजन फॉर दैट बेड के अंदर कोई ना कोई चीज गलत रखी हुई उसको हमेशा निकाल देना बेड में सिर्फ आपके लिनेंस होने चाहिए यूजेबल क्लॉथ होने चाहिए आप भले ही पहनने के कपड़े रखें आप विंटर और समर्स के कपड़े रखें कुछ भी रखें लेकिन वही चीज रखें जो यूजेबल है लेकिन कोई भी क्रॉकरी मेटल ये सारी चीजें कभी बेड के अंदर नहीं ये बेड के अंदर जगह रहेंगी तो ये निश्चित तौर पे आप इस सोने स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करना शुरू कर आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो धीरे धीरे क्या होता है हेल्थ इश्यू में ट्रेंड आता है कोई भी चीज लंबे समय से चलेगी तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगी इसलिए बेड के अंदर क्लटर नहीं होना चाहिए क्लटर पूरे घर में कहीं भी नहीं जितना कबाड़ घर में रहेगा जितना अनसिस्टमाइज चीजें रहेंगी उतना आपको डिस्टर्ब होगा दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी बेसिकली द पीपल हु आर बोर्न ऑन 9th और 18th और 27th ऑफ एनी मंथ ठीक है उनके मोबाइल का वॉलपेपर अगर वो रेड रोज लगाते हैं तो उनको बेनिफिट होगा बाकी के दिनों में आप अगर अगर फुल मून की पिक्चर लगाते हैं अपने मोबाइल में वॉलपेपर आपको पहले नहीं मतलब ये चांद तो नहीं जाएगी वो वाला चांद के ऊपर जो सबके लिए चांद है सर आपको पसंद है तो वो चांद करवा देते हैं जैसे एक शेर बोलते हो तुम चांद जैसी हो तुम चांद जैसी हो नूर भी जुलूर भी और दूर भी अच्छा और बढ़िया ठीक है तो एक तो ये कबाड़ बिल्कुल घर में इकट्ठा रहता है और पता है आपको अब जो किसी के वास्तु विजिट के लिए जाते हैं ठीक है किसी की वास्तु विजिट के लिए जब हम जाते हैं तो उसकी जब कबाड़ खुलवा के देते हैं उसकी कबाड़ खुलवा के उस पर्सन के बारे में पूरा बता सकते कि वो पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है वो क्या सोचता होगा कैसे रहता होगा क्या काम करता होगा क्या होता है आप उसकी कबर्ड को देख के आप पता लगा सकते हो उसके बारे में उसकी पर्सनैलिटी को एनालाइज कर सकते हो देखिए क्या है